वेलकम टू थिंक इज हिमांशु। और आज CWC सेंट्रल वेयर हाउस कमीशन का पेपर हुआ, जो जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट असिस्टेंट इंजीनियर सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल एंड जूनियर ट्रांसलेटर और हिंदी ट्रांसलेटर के लिए था। उसका जो पेपर था, उसका जो लेवल था, वो आज मॉडरेट था, ना इजी ना हार्ड। और जो हम बात करें एक्सपेक्टेड कट ऑफ की, तो कट ऑफ जो रहने वाली है वो अपने टेक्निकल पोस्ट के लिए अप्रोक्सीमेट 150 के अप्रोक्स रहने वाली है, ठीक है। और हम बात करें कि नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्टेड कितने कितने करने वाले फ़ायदे में रहेंगे, तो जिन्होंने 160 से 170 के बीच में अटेम्प्ट किया है वो सेफ जोन में रहेंगे, ठीक है। इसमें हम बात करें, इसका अभी जो पेपर था वो अपना अभी जो पेपर था वो अपना था टेक्निकल का प्लस नॉन टेक का। इसके नंबर प्लस इंटरव्यू के नंबर जोड़ के फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी, जिसके बेसिस पर सिलेक्शन होगा। तो आज का जो पेपर हुआ उसमें जो GA जनरल अवेयरनेस के जो क्वेश्चंस थे और जो स्पेसिफिक फील्ड से रिलेटेड जो क्वेश्चन थे, उनके जो हमारे पास क्वेश्चंस हैं उनके हम आपको आंसर बताएंगे। और ये आज 2019 28 मई को जो पेपर हुआ है उसके क्वेश्चंस और आंसर हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब की कर दीजिए, पहले जो रेड बटन दब रहा है उसको दबा दीजिए और साइड में जो बेल है उसको भी ओके कर दीजिए, ताकि जब भी हम नया वीडियो डालें तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए। सबसे पहला क्वेश्चन जो जनरल साइंस का पूछा गया, वो पूछा गया अपने से कि बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म इन अकेडमी अवार्ड 2019 ऑस्कर फिल्म गोज़ टू, तो ये कौन सी फिल्म थी। अभी पीरियड एंड ऑफ द सेंटेंस ये जो थी, इसको अपना बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का अवार्ड मिला ऑस्कर में, ठीक है। अगला क्वेश्चन अपन बात करते हैं, फर्स्ट वुमेन टू ऑफ फ्लाइट इंजीनियर इन इंडियन एयरफोर्स हु हैव टू फ्लाइट इंजीनियरिंग प्लेन इन इंडियन एयरफोर्स, तो ये है हीना जायसवाल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी की जो एग्ज़ाम्स में पूछा जा रहा है, और अभी फ़िलहाल में ये क्वेश्चन अपना RRBJEE में भी पूछा गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं, एक क्वेश्चन पूछा गया था KYIC जिसने हनी बी की जो छत्ते होते हैं उनको किसानों को वितरित किए, अप्रोक्सीमेट 1 लाख इन्होंने हनी बी के जो छत्ते थे वो किसानों को वितरित किए, तो ये KYIC का फुल फॉर्म पूछा गया था क्वेश्चन पेपर में। तो KVIC का फुल फॉर्म है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन, ठीक है। ये क्वेश्चन जो पूछा गया आपने, अगला क्वेश्चन था NKAFC नॉर्थ कर्नाटका एग्रीमेंट फोरकास्ट रिसर्च सेंटर, इसका जो अभी ये इसका जो मेन ऑफिस खोला गया वो कौन सी जगह खोला गया कर्नाटक में, तो इसका जो आंसर है वो है धारवाड में खोला गया है इसका जो ऑफिस है, कर्नाटका नॉर्थ कर्नाटका एग्रीमेंट फोरकास्ट एंड रिसर्च सेंटर। तो ये किस लिए था कि जो एग्रीकल्चर होता है उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स आ रही है तथा नई जो टेक्नोलॉजीज आ रही है, तो उनके लिए नए नए जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उससे रिलेटेड जो वर्क था वो यहाँ पे डिस्कस किया गया। तो ये कर्नाटका में एग्रोमीट हुई थी, जिसका जो कर्नाटका में जो स्पेसिफाई जगह है उसका नाम था धारवाड। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था कि 8th जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया वर्सेस बांग्लादेश जो हो रही है उसका नाम क्या है, तो इसका नाम है संप्रीति। तो ये क्या है कि एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, जो इंडिया की मिलिट्री तथा जो अपनी बांग्लादेश की मिलिट्री है उनके बीच में युद्ध अभ्यास होता है, तो वो अपनी अपनी जो नई टेक्नोलॉजीज है या नए नए इनोवेशन जो हुए हैं उनके मिलिट्री में, उनको एक दूसरे को बताते हैं तथा उनके बारे में समझते हैं, ताकि अपनी जो टेक्नोलॉजी का इनोवेशन वो एक दूसरे के साथ शेयर कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा उसका फ़ायदा उठा सके। अगला क्वेश्चन था कि मेरा करके एक अपनी चालू हुई है एक स्कीम, तो वो किससे रिलेटेड थी, तो मेरा जो थी वो मिलेट अपने मलेरिया से रिलेटेड एक अपने को इंडिया ने स्टार्ट की है। इसमें क्या है कि 2030 तक इंडिया को मलेरिया फ्री बनाना है, मतलब इंडिया में ज़ीरो मलेरिया करना है, तो मेरा उससे रिलेटेड एक स्कीम थी। अगला पूछा गया था कि RBI ने MSME लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन पैनल बनाया है,
तो उसका चेयरमैन किसे नियुक्त किया है? तो MSME पता है आपको, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज होता है, जो कि अपन ने RBI अभी कंट्रोल कर रहा है, और उसका जो चेयरमैन है हाल फिलहाल उसको UK सिन्हा को बनाया गया है। इसमें काफ़ी बच्चों ने गलत आंसर किया है, जो इसका आंसर रघुराम राजन करके आए हैं, जबकि इसका जो सही आंसर है चेयरपर्सन वो UK सिन्हा है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि विजय मूले जिनकी अभी अभी डेथ हो गई है वो कौन थे? तो उसमें जो ऑप्शन था वो था डॉक्यूमेंट्री मेकर, और इसको अपन बोल सकते हैं एक फिल्म मेकर। विजय मूले जिनकी अभी हाल फिलहाल थोड़े दिनों पहले डेथ हो गई कैंसर से, वो विजय मूले थे। हवेली ऑफ आगा खान मॉन्यूमेंट, जिनको जिसको अभी अपना नेशनल मॉन्यूमेंट घोषित किया गया है, और इसको अपने जो विश्व धरोहर की सूची में भी जोड़ा गया है, ये कहाँ पे है? तो इसका जो आंसर है वो आगरा। आगरा की जो हवेली है वो अपने आगा खान की थी, ये अपने क्या थी बादशाह, जो अकबर अपने शाहजहाँ ने वो बनवाया था ताजमहल, तो उसके बाद अपने वहाँ पे जो खान हुए थे उन्होंने हवेली ऑफ आगा खान मॉन्यूमेंट बनवाया था, जिसको अभी विश्व धरोहर सूची में जोड़ा गया है। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया, इंडियाज़ फर्स्ट क्रेडिट कार्ड विथ बटन कौन से बैंक ने लॉन्च किया? इसमें क्या है कि आपका जो क्रेडिट कार्ड है उसमें बटन्स भी है जिससे आप पे कर सकते हो, तो ये अभी किसने, इंडसलैंड बैंक ने। किस बैंक ने किया है? इंडसलैंड बैंक ने, जो डिजिटल करते जा रहा है अपने जो कार्ड्स को है, और उसने ये नया तरीका निकाला है कि क्रेडिट कार्ड पे आपके बटन दिए गए हैं, जिन बटन्स के थ्रू आप ATM की तरह उसको यूज़ करके आप उससे पेमेंट कर सकते हैं, तो ये कौन से बैंक ने किया? इंडसलैंड। अगला क्वेश्चन जो था कि लोसर फेस्टिवल कहाँ का है? तो लोसर फेस्टिवल जो होता है वो तिब्बत का है, ये एक तरीके का डांस किया जाता है, इसमें घेरा बना के औरतों द्वारा तिब्बत की, तो ये वहाँ से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन था कि साहित्य अकेडमी अवार्ड 2018 में एक बुक थी द ब्लाइंड लेडी, ये किसने लिखी है? और इसका जो आंसर था वो था अनीस खान। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इस बार का जो क्वेश्चन पूछा गया, आगे के एग्जाम में पूछा जाएगा कि किसने द ब्लाइंड लेडी बुक रखी है, अनीस खान ने। अनीस खान को उनकी इस बुक के लिए 2 बार नवाजा जा चुका है, एक बार तो अपना साहित्य अवार्ड से, एक अपना बेस्ट बुक ऑफ द ईयर के अवार्ड से भी। अगला जो क्वेश्चन था कि इंडियन मॉनेटरी फंड ने ग्लोबल ग्रोथ अप्रैल 2019 की कितनी परसेंट डिक्रीमेंट हुई है 3.6 से 2018 के रिलेवेंट, तो 2018 में अगर 3.6 थी तो 2019 में हो गई है 3.5, और ये जो डिक्रीमेंट देखने को मिला है वो 0.1% का, ठीक है। ये क्वेश्चन जो पूछा गया अपना इकोनॉमिक्स से। अगला क्वेश्चन था कि बेस्ट फिल्म इन ऑस्कर, ऑस्कर में बेस्ट फिल्म किसको अवार्ड दिया गया था 2019 में? तो ये तो आप सभी जानते हैं कि ये दिया गया था ग्रीन बुक को, ठीक है। ये इजी क्वेश्चन था अगर आपने करंट अफेयर पढ़ी होगी तो। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है कि 2018-19 में रणजी ट्रॉफी का विनर कौन था, जो फेबररी 2019 में हुई थी? तो इसके जो विनर थे वो था विद्रभा जो टीम थी वो इसकी विनर थी, ना कि केरला, राजस्थान या मिलिट्री अपनी या सर्विसेज इसकी विनर नहीं थी, इसकी विनर थी विद्रभा टीम। अगला था कि MP का चीफ मिनिस्टर, तो अभी चुनाव चल रहे हैं तो चुनाव से रिलेटेड क्वेश्चन आना ही था, तो इसमें पूछा गया था कि MP का चीफ मिनिस्टर अभी कौन है, तो ये आप सब जानते हैं कमलनाथ है अभी MP के चीफ मिनिस्टर। अगला क्वेश्चन पूछा था कि 34th एशियन समिट जून 2019 में कहाँ पे होने वाली है? तो इसमें जो अपने वहाँ पे दिया गया था ये वैसे तो थाईलैंड में होगी, और थाईलैंड में भी अपने को स्पेसिफाई उसमें ऑप्शन बताना था कि थाईलैंड में कहाँ पे होगी, वो बैंकॉक में होगी, ठीक है। तो अभी 34th एशियन समिट होगी, तो एशियन समिट क्या है, जो एशिया के जितने भी देश हैं उनके द्वारा जो समिट होती है, उसमें आपके मॉनेटरी फंड और पूरे ईयर के लिए क्या क्या आपको वो रखनी है, क्या आपका टारगेट होगा, क्या थीम होगी पूरे ईयर की, वो सारी वार्तालाप होती है उसके ऊपर, तो उसके ऊपर था। अगला क्वेश्चन था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है अभी इंडिया का? तो आप सभी को पता है सुनील अरोड़ा जी हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपने इंडिया के। तो 2 क्वेश्चन अपने अभी इन्होंने इलेक्शन से रिलेटेड पूछ लिए, एक तो पूछ लिया MP का CM कौन है, और दूसरा पूछ लिया चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, तो सुनील अरोड़ा। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया कि वर्ल्ड वाटर डे की इस बार थीम क्या थी? तो इस बार वर्ल्ड वाटर डे की थीम क्या थी? लीविंग नो वन बिहाइंड, मतलब किसी को पीछे नहीं छोड़ना, लीविंग नो वन बिहाइंड इज द थीम फॉर दिस टाइम 2019 वाटर डे, वर्ल्ड वाटर डे। अगला क्वेश्चन था कि मैड्रिड ओपन मैन सिंगल किसने जीता? तो आप सभी को पता है नवोक जोकोविक ने जीता है ये, और इस पे जो आंसर बच्चे ज़्यादातर रेफर नडाल करके आए हैं, जो कि
उन्होंने अभी मैड्रिड ओपन ना जीत के यूएस ओपन जीता है और ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि नवो जैकोविक ने कौन सा जीता है, मैड्रिड ओपन मैन सिंगनर। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन जो जनरल नॉलेज के पूछे गए वो हम मैंने आपके साथ शेयर किए। अगर आपको लगता है इसमें कोई गलती है तो आप हमें कमेंट करें नीचे। ठीक है, अगला जो हम देखते हैं टेक्निकल का, तो सिविल इंजीनियर का असिस्टेंट इंजीनियर सिविल का जो टेक्निकल के क्वेश्चन आए वो कुछ इस प्रकार है कि गॉस डज नॉट प्रोड्यूस मास कर्व, इनमें से कौन सा गॉस था जो मास कर्व नहीं प्रोड्यूस करता। तो इसका जो आंसर था वो था नेचुरल साइफन। नेचुरल साइफन में क्या होता है कि वो सिर्फ टाइम के साथ जो बारिश हो रही है वो हर पर यूनिट टाइम के साथ बताता है, ना कि वो क्यूमुलेटेड मास नहीं दिखाता। अगला क्वेश्चन था कि फ्लेक्सिबल पेमेंट की थिकनेस कितनी होती है। तो ये आप सभी को पता है जो अपने फ्लेक्सिबल पेमेंट होते हैं उनकी जो थिकनेस होती है वो 900 mm होती है। ठीक है, 900 mm टू 1.1 meter होती है। तो अपने को उसमें ऑप्शन था 900 mm, तो वो करना था। अगला था कि स्टैटिकल इनडिटर्मिनेट बीम इनमें से कौन कौन सी है। तो कंटिन्यूस बीम और प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम ये होती है, ये अपनी स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट बीम होती है। अगला क्वेश्चन था कि ग्रूव वेल्ड जब करते हैं उसमें स्लोप कितना होना चाहिए। तो ग्रूव वेल्ड में जो स्लोप होता है वो 20 डिग्री से 30 डिग्री होता है। अगला जो क्वेश्चन था कि अपने को एक कॉलम दे रखा था जो अपना क्या था, सिंपली सपोर्टेड था बोथ एंड पे, और उसकी इफेक्टिव लेंथ पूछी हुई थी। तो अपने को पता है इफेक्टिव लेंथ कितनी हो जाती है, एल के बराबर ही रहती है जब बोथ एंड सिंपली सपोर्टेड होता है। अगर यही अगर फिक्स्ड एंड हो जाते बोथ तो इसका आंसर हो जाता 0.65, और एक फिक्स्ड और एक सिंपली सपोर्टेड हो जाता तो उसका आंसर क्या हो जाता। अगर एक फिक्स्ड और एक सिंपली सपोर्टेड होता है अगर कॉलम जो इफेक्टिवली हेल्ड होता है, इसका जो आंसर हो जाता है वो 0.8 हो जाता है। ठीक है, 0.8 L। अगला क्वेश्चन देखिए कि सिग्मा टेंसाइल दे रखा था 12 newton, सिग्मा टेंशन दे रखा था, सिग्मा नॉर्मल निकालना था जो 30 degree विद टेंशन। तो इसमें जो अपन करते हैं ये हो जाएगा कि सिग्मा टेंशन इज इक्वल टू सिग्मा नॉर्मल साइन 2 theta। तो इससे अगर अपन सॉल्व करते तो ऑप्शन मैच नहीं कर रहा था, तो इसका आंसर था नन ऑफ द दी। लीचेट्स का इफ्लुएंट जो निकलता है वो कौन से प्रोसेस से निकलता है। तो ये हमारा जो क्वेश्चन था वो इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग था, और लीचेज का जो इफ्लुएंट होता है वो किससे निकलता है, कंपोस्टिंग से। कंपोस्टिंग में क्या करते हैं अपन, सिंपल सा जो अपना वेस्ट होता है उसको अपन गड्ढा खोदते हैं उसमें डाल देते हैं, उसके ऊपर से अपन मिट्टी डाल देते हैं और फिर उसमें से ह्यूमस बनती है। ह्यूमस बनती है तो उसकी वजह से क्या है, लीचेज उसका जो लीचेज मतलब जो अपने वॉर्म सी होती है वो निकलती है, तो उनको अपन किस में होता है, ये कंपोस्टिंग में। एक था कि एक ट्रायंगल है जो इन्वर्टेड है जिसकी जो बॉर्डर है वो रेड कलर की है और जो बी जो मिडल पोर्शन है वो वाइट कलर का है। तो ये कौन से किस चीज़ का साइन होता है, तो ये होता है अपना प्रिकॉशनरी साइन। ठीक है, जो उसमें ऑप्शन दे रखा था। अगला था कि क्रीप कोफिशियंट थीटा फॉर 28 डेज कितना होता है। तो अपने को पता है क्रीप कोफिशियंट 7 दिन, 28 दिन और 1 year, इन तीनों में निकलता है। तो 7 दिन का तो होता है 2.1, देन 28 डे का होता है 1.6, देन हम बात करें वन ईयर का होता है अपना 1.1। तो यहाँ पे 28 डेज का पूछा था तो इसका आंसर था 1.6। अगला जो क्वेश्चन था अपना जो पूछा गया कि कौन सा ऐसा कंपाउंड है जिसको डालने से द रेट ऑफ इवापोरेशन इज डिक्रीज्ड। तो हमें पहले ही पता है एक तो सिटाइल एल्कोहल होता है, एक एसिटाइल अल्कोहल, ये दोनों जो होते हैं ये हमारे यूज़ होते हैं इवापोरेशन रेट को डिक्रीज़ करने में। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया कि 4.6 बोल्ट में जो होती है उसमें यील्ड स्ट्रेंथ कितनी होती है। तो अपने को पता है 400 यहाँ पे यील्ड स्ट्रेंथ होती है, और अगर 400 को अपन 0.6 से मल्टीप्लाई कर दे जो कि आता है 240, ये हमारी अल्टीमेट स्ट्रेंथ होती है। तो इसमें यील्ड पहुँची थी तो अपने को 400 लिखनी थी MPa। अगला क्वेश्चन पूछा था कि स्टैंडर्ड ब्रिक की साइज़ क्या होती है। तो अपने को पता है स्टैंडर्ड ब्रिक की साइज 190 x 90 x 90 होती है, और जबकि अगर नॉमिनल अगर यहाँ पूछ लेता तो 200 × 100 × 100 mm में होती है। तो mm में ही हमसे क्वेश्चन पूछा था, तो इसका आंसर था 190 × 90 × 90 mm। किस हावरली वॉल्यूम के लिए डिज़ाइन की जाती है रोड। तो अपने को पता है 30th hourly वॉल्यूम के, इसका मतलब क्या होता है कि उस साल में सिर्फ 29 टाइम इस वेलोसिटी से ज़्यादा अपने जो ट्रैफिक है वो वहाँ पे मूव करेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि आईआरसी क्लास ए में कितने एक्सल का और कितने लेंथ का ट्रक
यूज़ लेते हैं उसकी जो स्टैंडर्ड को डिफाइन करने के लिए। तो सिंपल सा था कि 4 एक्सल होने चाहिए और 18 मीटर होने चाहिए। लोगों ने 8 कर दिया, 8 एक्सल नहीं, यहाँ पे एक्सल, एक एक्सल में 2 लगे होते हैं, तो 4 एक्सल लेने थे अपने को यहाँ पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन था कि अपना ये डिटर्मिनेसी निकालनी थी, इस टाइप का अपना जो स्ट्रक्चर दिया था वहाँ पे, ठीक है। ये अपना नीचे सिंपली सपोर्टेड था, तो सिंपल सा इसमें अपने को फॉर्मूला लगाना था, m + r - 2j, ठीक है। तो इससे जो आप निकालोगे वो 11 निकल रही थी, तो आपका आंसर था उसमें। वर्टिकल मेंबर ऑफ डोर एंड विंडोज़, मतलब ये डोर एज विंडोज़ होती है, इसमें ये जो वर्टिकल मेंबर होता है इसको क्या बोलते हैं? तो ये आप सभी को पता है, इसको जैम बोलते हैं, यहाँ पे जो लगे होते हैं उनको हैंडल्स बोलते हैं, ये स्प्रिंग होती है और ये पोस्ट होता है अपना जिस पे वो दीवार में जुड़ जाता है, सिल्स लगी होती है इसमें, तो इसमें ये वर्टिकल मेंबर पूछा था जो डिवाइड करता है, तो इसको क्या बोलते हैं? जैम, ठीक है। अगला क्वेश्चन था कि गैसिफिकेशन इन एरेटेड कॉन्क्रीट गैस, मतलब एरेटेड कॉन्क्रीट अपन जो पाइप के थ्रू एरेटेड कॉन्क्रीट भेजते हैं तो इसमें किस गैस का यूज़ लेते हैं? तो उस गैस का यूज़ लेंगे जिसमें एल्यूमिनियम प्रेजेंट होगी, ठीक है। क्वेश्चन की इफेक्टिव हाइट ऑफ स्टैक क्या होती है? तो इफेक्टिव हाइट ऑफ स्टैक क्या होती है? प्ल्यूम की हाइट को अपन किससे प्लस कर देते हैं? स्टैक की हाइट से, तो वो क्या होती है? इफेक्टिव हाइट ऑफ स्टैक। यूनिट स्पीड ऑफ टरबाइन क्या बोलते हैं? यूनिट स्पीड ऑफ टरबाइन होती है जब यूनिट डिस्चार्ज पे वो कितना अपने को स्पेसिफिक स्पीड देती है वो टरबाइन, वो होती है यूनिट स्पीड ऑफ टरबाइन। पेल्टन, वीम और कैल्पन में से कौन सा ऐसा था जो उसका सही ऑप्शन नहीं था? तो पेल्टन और उसमें ये था डिफरेंस कि लो स्पेसिफिक स्पीड नहीं होती पेल्टन की कैल्पन के बेसिस में। अगला था कि आइसो हाइट दे रखे थे 450 और 500 mm के लिए, 150 किलोमीटर स्क्वायर के लिए, 200 किलोमीटर स्क्वायर के लिए, 550 और 650, तो पूछा था 350 किलोमीटर स्क्वायर के लिए कितना होगा। तो ये अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये 560 के अप्रॉक्स इसका आंसर आ रहा था जो आपको ऑप्शन ए दे रखा था। अगला क्वेश्चन था कि एक कैंटिलीवर बीम है जिस पे अपने को UDL लग रहा है 5 kN/m का और इसकी जो लेंथ थी वो 2 मीटर थी, तो इन्होंने पूछा था कि डिफ्लेक्शन एट फ्री एंड कितना होगा। तो आपको पता है डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला क्या आता है, 5L⁴/ATI, अगर आप इसमें वैल्यू पुट करोगे तो ये 4 mm आ रहा था। ईजी क्वेश्चन था, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड था। अगला क्वेश्चन था कि थ्रेशोल्ड ह्यूमन हियरिंग जिसकी वजह से परमानेंट लॉस हो जाता है, तो उसमें 65 के अबाव जो भी होता है वो थ्रेशोल्ड होती है, उसमें दे रखा था डायरेक्ट 80 ऑप्शन, तो आपको 80 टिक करना था इसका जो सही आंसर था। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया आपने से कि GPS में 24 सैटेलाइट यूज़ हो रही है तो कितने ऑर्बिट वो कवर कर रही होगी? तो अपने को पता है एक ऑर्बिट को कवर करने के लिए अपने को 4 सैटेलाइट चाहिए, तो 24 के लिए अपने को कितनी सैटेलाइट, कितने ऑर्बिट कवर करेंगे? अगर 1 4 को करते हैं तो 24 6 को करेंगे, ठीक है। मोस्ट फ्लेक्सिबल ट्रांसपोर्ट, आपको पता है फ्लेक्सिबल ट्रांसपोर्ट से मतलब था कि जहां हम चाहते हैं वहां पे उसको लेके जा सके या हमारे हिसाब से उसको यूज़ कर सके, तो वो कौन सा था? रोडवे, ठीक है। और मोस्ट फास्टेस्ट पूछता तो आपको लिखना था एयरवेज, ठीक है। और मोस्ट चीपेस्ट पूछता तो आपको लिखना था वाटरवेज, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है मल्टीप्लाई एंड एडिटिव कांस्टेंट इन टैकोमीटर, तो आपको पता है टैकोमीटर की इक्वेशन क्या होती है? D = KS + C, यहाँ पे K होता है F/I और C होता है F+D, तो F/I को तो अपन बोलते हैं मल्टीप्लाई कांस्टेंट और F+D को बोलते हैं अपन एडिटिव कांस्टेंट। F/I की वैल्यू होती है 100, F+D की वैल्यू होती है 0, तो इन्होंने पूछा था मल्टीप्लाई एंड एडिटिव कांस्टेंट की वैल्यू क्या क्या होती है, तो 100 एंड 0। अगला क्वेश्चन था कि एक लाइन थी L जो नॉर्थ से ईस्टिंग में चल रही थी, तो इसका डिपार्चर निकालना था, ये अल्फा एंगल दे रखा था, तो डिपार्चर अपने को पता है डिपार्चर क्या होता है? L sin θ, और अगर यहीं पे लेटिट्यूड पूछ लेता तो L cos θ, ठीक है। नॉर्मल क्वेश्चन था, एक पूछा था कि सेटलमेंट कर्व ऑफ लोड इन सॉइल इज डिटरमाइंड बाय, तो प्रॉक्टर नीडल, अगर ट्राई एक्सियल दे रखा था तो ट्राई एक्सियल आंसर होता है, इसमें ट्राई एक्सियल नहीं दे रखा था तो इसका आंसर होगा प्रॉक्टर नीडल। अगला क्वेश्चन पूछा था कि अपन जो सुपर एलिवेशन डिज़ाइन करते हैं वो कितने परसेंट ऑफ वेलोसिटी के लिए डिज़ाइन करते हैं, तो ये होता है 75% ऑफ ओरिजिनल वेलोसिटी। तो अपने को पता है V² / 127 R होता है वैसे फार्मूला जो सुपर एलिवेशन का होता है, लेकिन अगर अपन 75 के लिए डिज़ाइन करते हैं तो 0.75 का V² / 127 R, अगर इसको अपन फ्रैक्शन को हटाएंगे और इसको लेंगे तो ये हो जाएगा 0.75 का स्क्वायर और डिवाइड बाई 127 करेंगे तो ये आएगा V² / 225 R, ठीक है।
तो ये अपना होता है सुपर एलिवेशन इन मिक्स्ड डिज़ाइन कंडीशन और जो होती है 75% स्पीड के लिए। अगला क्वेश्चन था कि मिनिमम सीमेंट इन वेरी सीवियर कंडीशन, वेरी सीवियर कंडीशन में होता है 320, सीवियर में होता है 300, फिर होता है मॉडरेट में होता है 340, एक्सट्रीम में होता है 360 और वेरी सीवियर, वेरी सीवियर, मॉडरेट, एक्सट्रीम और हाई एक्सट्रीम में होता है 380 kg। ठीक है, तो आंसर था 320। एक क्वेश्चन पूछा था कि सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसके मिड में एक पॉइंट लोड लग रहा है तो मैक्सिमम मूवमेंट कितना होगा, तो मैक्सिमम मूवमेंट हो जाएगा W/2 × L/2, दैट इज़ WL/4। ठीक है, ये आपको आंसर देना था। अगला क्वेश्चन था कि 40 मीटर का डैम है, प्रेशर निकालना था। ठीक है, तो 40 मीटर का डैम है, प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ गामा एच स्क्वायर, गामा वाटर का लेना था 9.1, एच आप 9.81, एच की वैल्यू दे रखी थी 40, तो इसका आंसर हो जाएगा 7848, जो कि डी ऑप्शन था आपके। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट कंट्रोल बाय टिपिंग ऑफ सैनिटरी लैंडफिल, सैनिटरी लैंडफिल में अपन क्या करते हैं कि कचरे जो होता है तो जो हार्ड हैजार्डस कचरा होता है उसको अपन हटाते जाते हैं, मतलब टिपिंग करते जाते हैं, तो ये किस में यूज होता है, सैनिटरी लैंडफिल में। अगला क्वेश्चन था कि स्मिथ टेस्ट किस में यूज होता है, तो स्मिथ टेस्ट अपन करते हैं बीएमसी में यूज, जो किस लिए यूज आता है कि सॉल्युबल मैटर जो प्रेजेंट होते हैं अपने स्टोन्स पे उनको निकालने के लिए। इसमें क्या करता है, एक सॉल्यूशन होता है अपना एसिड और बेस का, उसमें सॉल्ट उसमें मिलाते हैं, तो सॉल्युबल अगर मटेरियल होता है तो वो चेंज कर देता है कलर को या सेटल डाउन कर देता है, तो उसकी वजह से अपने को पता चल जाता है कि इसमें सॉल्युबल मटेरियल प्रेजेंट है या नहीं है। अगला था कि अपने को डिस्चार्ज दे रखा था 81 m³/s और उन्होंने पूछा था कि आपकी वेटेड पैरामीटर क्या होगा, तो अपने को लेसी से, तो लेसी का अपने को पता है वेटेड पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 4.75 √3, तो इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ रहा 42.75 m। अगला क्वेश्चन था कि रिटेनिंग वॉल में होल क्यों कर देते हैं अपन, तो अपने को पता था कि रिटेनिंग वॉल में होल क्यों करते हैं कि हाइड्रोस्टेटिक जो प्रेशर जनरेट होता है उसको रिड्यूस करने के लिए। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है कि विदाउट ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो मेथड लिया जाता है अपने जो वेस्ट को डिकम्पोज करने के लिए उसको क्या बोलते हैं, तो विदाउट ऑक्सीजन अगर बोल देते तो पायरोलाइसिस और अगर विथ ऑक्सीजन बोल देते हैं तो इंक्रीनेशन। ठीक है, तो ये अपने आंसर था इसका पायरोलाइसिस। अगला पूछा था कि डिस्प्लेसमेंट एफिशिएंसी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट एफिशिएंसी होती है कि फ्लो पीरियड डिवाइड बाय डिटेंशन पीरियड, जो होता है वो अपनी डिस्प्लेसमेंट एफिशिएंसी होती है। अगला पूछा गया था कि एक्टिव अर्थ प्रेशर क्या होता है, तो अपने को पता है एक्टिव अर्थ प्रेशर होता है 1 − sin φ / 1 + sin φ, और अगर ये पूछ लेता कि पैसिव कोफिशियंट कितना होता है तो 1 + sin φ / 1 − sin φ। ठीक है, अगला क्वेश्चन था कि एरिया अपने को सर्वे में निकालना है एक क्रॉप पीरियड क्रॉप फार्मिंग का, तो वो किससे निकालेंगे, तो प्लेनीमीटर यूज़ आता है एरिया निकालने के लिए, जो क्या करता है कि एरिया लेता है वहाँ से और अपने बता देता है कि उसको अपन स्केल से मल्टीप्लाई करके निकाल लेते हैं। एक बेस पीरियड दे रखा था 120 days और डेल्टा ड्यूटी दे रखी थी 1500 hectares/m³, तो अपने को इससे वो निकालना था ड्यूटी निकालनी थी, तो ड्यूटी अपने को फॉर्मूला पता था 8.64 b/d, यहाँ से जो ड्यूटी निकलेगी वो मीटर में निकलेगी, जबकि क्वेश्चन अपना mm में पूछा था, तो इससे आप आंसर निकालोगे तो 691 mm आंसर आया होगा आपका। अगला क्वेश्चन जो था कि बायोमास से स्लाइम लेयर को हटाने को क्या बोलते हैं, तो स्लगिंग बोलते हैं। अगला था कि अगर प्लास्टिसिटी इंडेक्स डिवाइड बाय परसेंटेज सी, मतलब क्ले पार्टिकल ऑफ 2 μ से कम होते हैं, इसको क्या बोलते हैं, तो अपने को पता है एक्टिविटी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन था कि M15 का रेशियो बताओ, तो M15 का रेशियो 1:2:4 होता है। अगला क्वेश्चन था कि अगर U36 दे रख के MPH दे रखा है और S=8 स्किड लेंथ दे रखी है, तो अपने को फ्रिक्शन रेजिस्टेंस बताना था, तो F=A/g होता है आपको पता है, और U अगर मीटर पर सेकंड में करेंगे तो ये हो जाएगी अपनी 10 m/s, तो अपने को न्यूटन्स की इक्वेशन पता है V²−U²=2as, यहाँ से आप U की वैल्यू डाल दो, 2 पता है, S पता है, A निकल जाएगा, A निकलने के बाद F=A/g लगा दो, G की वैल्यू 10 ले लो, तो यहाँ से आंसर का आपका 0.81 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन जो पूछा था कि इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है सर्वेयर में, तो अपने को पता है 2n − 4 × 90 इंटीरियर एंगल का सम होता है, वहीं एक्सटीरियर का 2n + 4 × 90 कर दो। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो था कि ड्रॉप जो होती है लिक्विड ड्रॉप वो स्पेयर की होती है, तो स्पेयर होती है सरफेस टेंशन की वजह से, जो टेंजेंशियल अपना लगता है, तो जो अपने इसको मिनिमम वॉल्यूम में बनाया, और मिनिमम वॉल्यूम किसका होता है अपना स्पेयर का। अगला था कि स्लोप करेक्शन निकालना था अपने को एक 1 × 30 m की में 1 × 1:20 में, तो अपने को पता है कि 1 m होता है 20 में, तो
की 30 में कितना हो जाएगा 1.5 मीटर, तो 1.5 मीटर का अपन लिख सकते हैं एच स्क्वायर अपॉन 12 फार्मूला होता है अपना, तो 1.5 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 × 30 ये आप करोगे तो 3.75 आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो था कि साउथ 30 डिग्री, साउथ 30 डिग्री 30 डिग्री 30 मिनट ईस्ट अपने को वो दे रखा था, तो ये अपने को निकालना था कि ये कितना इसका बैक बियरिंग कितनी होगी, तो आपने को पता है 180 प्लस कर दो तो ये हो जाएगी नॉर्थ 30 डिग्री 30 मिनट वेस्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन था कि एम ओ आर ऑफ सर्किल, एम ओ आर अपने को पता है मोमेंट ऑफ कितना होता है, पाई बाय 64 डी की पावर 4 होता है सर्कल का, और रेडियस की टर्म में पूछा था तो पाई बाय 64 2 आर की पावर 4, तो इसको आप सॉल्व करोगे तो ये 2 वाला कट जाएगा, 16 4 जा तो पाई बाय 4 6 आर की पावर 4 इसका आंसर आपके पास आ जाएगा। अगला था अपना कि 5 क्लोराइड अगर 5 से 10 ml ज़्यादा डाल देते हैं अपन mg पर लीटर नॉमिनल से तो वो क्या कहलाता है, ये कहलाता है सुपर क्लोरीनेशन। ये क्यों करते हैं, ताकि अपना कभी अगर फ्यूचर में कंटामिनेशन होता है तो उसको रोक सके। अगला था कि अपनी वो साउंड की लिमिट कितनी होती है डे टाइम में, तो 50 डेसिबल वाइट होती है। मेटा सेंटर निकालना था, मेटा टाइम ऑसिलेशन पीरियड निकालना था, तो वो पता है अपने को 1/2π अंडर रूट gm अपॉन k square into g gm। ठीक है, ये फार्मूला होता है। अगला अपने को एक क्वेश्चन आया था कि विच इज़ द प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग, तो अपने को पता है सर्वेइंग का प्रिंसिपल कौन सा होता है, वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट, और एक अपना वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट। ठीक है, एक अपना होता है कि आप उसमें प्लेन टेबल अपन यूज़ ले सकते हैं। प्लेन टेबल में अपन क्या करते हैं कि एक बहुत बड़ा एरिया उसको अपन अपने टेबल पे पहले कंसिडर करते हैं और फिर उसकी स्टडी करते हैं, तो अपन ने क्या किया एक बड़े एरिया को छोटे पार्ट में डिवाइड किया और उसकी फिर स्टडी की, जो अपना क्या करता है वो अपना एक्यूमुलेशन और जो ऑफ एरर्स होती है उनको हटाता है। तो ये जो क्वेश्चंस थे आज के में पूछे गए टेक्निकल पेपर में, आपको कैसे लगा हमारा ये वीडियो ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और प्लीज़ दोस्तों लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे ही अभी जो FCI के एग्ज़ाम होगी उसके जितने भी पेपर्स होंगे हम डेली डे टू डे अपडेट आपको करते रहेंगे पेपर के बाद, और जो जो क्वेश्चन आए और कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आगे वाले आने वाले हैं वो हम आपको बताते रहेंगे। तो प्लीज़ दोस्तों शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और आपके कितने क्वेश्चन सही हुए ये ज़रूर कमेंट करिएगा। थैंक यू वेरी मच।